थैंक यू वेरी मच. ये हीम सिंथेसिस डिस्कस कर रहा हूँ. हीम सिंथेसिस का स्टार्ट है ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल को ए से. उसके बाद अगला जो एंजाइम है वो डेल्टा एमिनो लेवुलेनिक एसिड है. तीसरा एंजाइम पोर्फोबिलिनोजिन है और जो चौथा एंजाइम है इस पाथवे का वो हाइड्रोक्सी मिथाइल बायलेन है. हाइड्रोक्सी मिथाइल बायलेन की सिग्निफिकेंस ये है कि हाइड्रोक्सी मिथाइल बायलेन में पहली दफा टेट्रापायरोल रिंग आ जाता है केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर. टेट्रापायरोल रिंग किस तरह का नजर आता है ये आपको नेट से नजर आ जाएगा अगर आप नेट पे जाएंगे. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि टेट्रापायरोल रिंग की के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जिनके डिसलॉज होने से सिंगलेट ऑक्सीजन रिलीज होती है, रिस्पायरेटरी बर्स्ट होता है और जो भी फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस हैं वो ये टेट्रापायरोल रिंग वाले केमिकल्स की वजह से पैदा होते हैं. तो ये फोर्थ एंजाइम के बाद हीम सिंथेसिस के जितने आगे एंजाइम हैं वो सारे के सारे फोटोटॉक्सिसिटी करते हैं. हाइड्रोक्सी मिथाइल बायलेन से पहला वाला जो एंजाइम है वो है पोर्फोबिलिनोजिन और पोर्फोबिलिनोजिन एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में रेज्ड होता है क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट पोर्फोबिलिनोजिन डी एमिनेज का है और एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया एक्यूट पोर्फायरिया है जिसमें क्यूटेनियस फाइंडिंग्स नहीं होती. तो मैंने ये बात आपको इस पाथवे में एक तो निशानदेही इस पॉइंट पे करनी थी कि फोर्थ एंजाइम के बाद से जितने एंजाइम है वो सारे फोटोटॉक्सिक हैं. दूसरी बात जो रेड कलर में दो एंजाइम लिखे हैं फोर्थ और नाइन, ये वाले जो है ना ये वो हैं कि जिनमें जो एक्यूमुलेशन है इसकी वो आरबीसीज के अंदर होती है. ये दो पार्ट जो दो एंजाइम्स हैं जो आरबीसीज के अंदर हो रहे हैं, बाकी जितने एंजाइम्स हैं वो लिवर के एंजाइम्स हैं, वो लिवर में एक्यूमुलेट होते हैं. तो ये बात भी आपको याद रखनी है. एक बात तो ये इस सिंथेसिस में कि नंबर फोर्थ वाला एंजाइम के आगे जितने एंजाइम आएंगे हीम सिंथेसिस हीम पाथवे में वो सब के सब फोटोटॉक्सिसिटी करेंगे. और दूसरी बात ये कि जो फोर्थ और नाइन्थ वाले जो एंजाइम हैं ये दोनों एंजाइम आरबीसीज के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और बाकी जितने एंजाइम्स हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं लिवर के. What causes porphyrias? Porphyrias are inherited disorders. अच्छा एक दफा ना सॉरी मैं दोबारा पीछे जाऊंगा. Porphyrias हैं किस तरह के क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया. There are 8 different type of porphyrias. अभी हीम पाथवे में था और ये 8 porphyrias हर उस एंजाइम को करस्पॉन्ड करते हैं जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये पोर्फायरिया हो, मतलब 1 से लेके 8. दूसरा जनाब पोर्फायरिया को हम डिवाइड करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक में. एक्यूट पोर्फायरिया वो हैं कि जिसके अंदर सीएनएस सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जिस तरह एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया. और क्यूटेनियस पोर्फायरियाज वो हैं कि जिनके अंदर स्किन फाइंडिंग्स हैं. दो पोर्फायरियाज ऐसे हैं हेरिडिटरी कॉपो पोर्फायरिया और वेरीगेट पोर्फायरिया कि जिनके अंदर ये दोनों चीजें हों, एक्यूट सिम्टम भी हैं और क्रॉनिक भी हैं. और फिर पोर्फायरिया इरिथ्रोपोएटिक होते हैं और हेपेटिक होते हैं. एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया में जो जो पोर्फायरिन एंजाइम्स जो पोर्फायरिन का वो केमिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं आरबीसीज और बोन मैरो में और हेपेटिक में लिवर. ये वाले दो जो एंजाइम्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से ये वाले जो केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं आरबीसी. तो ये हमने इसके बारे में पोर्फायरियास के बारे में अभी तक इसके बायोकेमिस्ट्री के बारे में की हमने ये डिस्कशन की. मोस्ट पोर्फायरियास आर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स सिवाय सूडो पोर्फायरिया के सारे इनहेरिटेड हैं और सब में कोई ना कोई एंजाइम डिफेक्ट है. दे रिजल्ट फ्रॉम एन एबनॉर्मल जीन आल्सो कॉल्ड अ जीन म्यूटेशन फ्रॉम वन पेरेंट. जनरली जीन म्यूटेशन होती है पोर्फायरियास के अंदर कोई सिंगल जीन की किसी एक पेरेंट से. एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया और कंजेंटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया जो दोनों एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरियाज हैं कि जिनके अंदर पोर्फायरिया प्रीकर्सर्स एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं उन दोनों में दो एबनॉर्मल जीन्स आती हैं ईच पेरेंट्स. ये भी एक डिफरेंस है अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस इतनी है कि जो जितने लिवर के पोर्फायरियाज हैं जिनमें
जो प्रीकर्सर्स है वो लिवर में एक्यूमुलेट होते हैं, उसमें एक एबनॉर्मल जीन होती है विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम एनी ऑफ द पेरेंट्स. लेकिन जो एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरियाज है उनमें डबल जीन्स होती हैं, दोनों पेरेंट्स के साथ वो एबनॉर्मल जीन आती है. अच्छा, हाउ इज पोर्फायरिया डायग्नोज? पोर्फायरिया के डायग्नोसिस तीन तरह के टेस्ट से होता है. हम यूरिन में पोर्फायरिन स्टडीज कर सकते हैं, हम स्टूल में कर सकते हैं और हम ब्लड में कर सकते हैं. ब्लड में पोर्फायरिन स्टडीज सिर्फ एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया में, कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक और एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया, जबकि यूरिन और स्टूल बाकी पोर्फायरियाज में उसमें पोर्फायरिन मिलता है. और बाज दफा यूरिन को हम वुड्स लाइट में भी देख के उससे ना ब्राइट रेड कलर की फ्लोरेसेंस आती है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं. एक्यूट पोर्फायरियाज, एक्यूट पोर्फायरिया जिसका क्या हुआ सर, यही जो अभी बात की थी आपने रिपीट कर देंगे? मैंने ये कहा कि पोर्फायरिया का डायग्नोसिस आमतौर पे तीन तरह के टेस्टों से होता है, ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट या स्टूल का टेस्ट. ब्लड में पोर्फायरिन लेवल ज्यादा सिर्फ उस वक्त होते हैं कि जब एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरियाज होते हैं, कंजेंटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया या एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फायरिया. जो लिवर वाले पोर्फायरियाज हैं उनके अंदर आमतौर पर यूरिन और स्टूल के अंदर पोर्फायरिन प्रिकर्सर्स मिलते हैं, डिफरेंट पोर्फायरिन प्रिकर्सर्स जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं. अगर स्पेसिफिक केमिकल को टेस्ट कर लेंगे तो हम पोर्फायरिया का स्पेसिफिक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं. दूसरी बात, मैंने ये कहा कि यूरिन में पोर्फायरिन सेक्रीशन को हम, वैसे भी यूरिन थोड़ा सा रेड कलर का हो जाता है और अगर अब उसको फ्लोरोसेंस वुड स्लाइड में देखें तो उसकी फ्लोरोसेंस भी आती है. एक्यूट पोर्फायरियाज, एक्यूट पोर्फायरियाज का प्रोटोटाइप है एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया. मैंने आपको बताया एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में कोई क्यूटेनियस फाइंडिंग नहीं होती, इसलिए हम एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दिस डज नॉट कंसर्न डर्मेटोलॉजी. हम वो पोर्फायरिया जरूर डिस्कस करेंगे जिसमें एक्यूट सिम्टम्स और क्यूटेनियस सिम्टम्स कम्बिनेशन में होते हैं. लेकिन एक्यूट सिम्टम्स या एक्यूट पोर्फायरियाज क्या है? एक्यूट सिम्टम्स इंक्लूड पेन एब्डोमेन, पेन इन चेस्ट, लिम और बैक. बाज दफा पेन एब्डोमेन इतना सिवियर होता है और इतना एक्यूट होता है कि एक्यूट पोर्फायरिया वाले मरीजों का अपेंडिसेक्टमी या कोलिसिस्टेक्टमी हो जाती होती है क्योंकि वो लोकलाइज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे और ऑपरेशन हो जाते हैं. बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो एक्यूट पोर्फायरिया के पेशेंट है. दे प्रेजेंट एज नोजिया एंड वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन, और बाज केसेस में कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, सीजर्स एंड मसल वीकनेस. तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एक्यूट पोर्फायरियाज के हैं. अच्छा, रीजन क्या है एक्यूट पोर्फायरिया में इन सिम्टम्स का? वो ये है कि द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इज बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनोलेविलोनिक एसिड विद गैबा एमिनोबेंजोइक एसिड. गैबा जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एला है उसका स्ट्रक्चर गैबा से मिलता जुलता है. तो बाज दफा तो जब ये एला एक्यूमुलेट होता है इन एक्यूट पोर्फायरियाज तो ये एला उन जगहों पे एक्ट करता है जहां पे गैबा एक्ट करता है, एंड दिस रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो ऊपर लिखे हैं. सिम्टम्स ऑफ एक्यूट पोर्फायरिया कैन डेवलप ओवर आवर्स और डेज एंड लास्ट फॉर डेज और वीक्स. द सिम्टम्स कैन कम एंड गो ओवर द टाइम. तो ये बात भी, एक दफा अटैक होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं होगा. अटैक कैन कम अगेन एंड अगेन. एक्यूट पोर्फायरिया के सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं बाय यूज ऑफ अल्कोहल, बाय यूज ऑफ स्मोकिंग, बाय सर्टेन मेडिकेशंस और हॉर्मोन्स जिसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, स्ट्रेस, डाइटिंग एंड फास्टिंग. ये आपने फैक्टर्स, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स याद रखने हैं. ये एग्रेवेटिंग फैक्टर्स एक्यूट पोर्फायरिया के हैं, ठीक है? एक्यूट पोर्फायरिया में सिम्टम्स अल्कोहल से, स्मोकिंग से, सर्टन मेडिकेशन, स्ट्रेस और डाइटिंग या फास्टिंग से एग्रेवेट हो सकते हैं. और एक्यूट पोर्फायरियाज के, अगर सिर्फ एक्यूट पोर्फायरिया है तो ट्रीटमेंट क्या है? इट इज यूजली ट्रीटेड विद हीम और ग्लूकोज बाय माउथ और इंट्रावीनसली टू डिक्रीज द लिवर प्रोडक्शन ऑफ पोर्फायरिन एंड पोर्फायरिन प्रिकर्सर्स स्पेशली एला.
अब हम इस पाथवे पे आ रहे हैं, इस पाथवे में अगर हम हीम, यहाँ का हीम हीम दे देते हैं पेशेंट को या ग्लूकोज देते हैं हैवी डोज में, तो ये दोनों चीजें इस पाथवे को ग्लाइसिन से डेल्टा एम्यूनोलेवुलेनिक एसिड वाले पाथवे को इनहिबिट कर दी, एलोसिंथेटेज को इनहिबिट कर दी, जिसकी वजह से एम्यूनोलेवुलेनिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया के या एक्यूट पोरफायरिया के सिम्टम्स एम्यूनोलेवुलेनिक एसिड की एक्यूमुलेशन से, तो अगर हम हीम दे दें पेशेंट को या हम हैवी डोजेज में ग्लूकोज दे दें, तो ये सारा का सारा पाथवे इनहिबिट हो जाएगा और एम्यूनोलेवुलेनिक एसिड सिक्रीट प्रोड्यूस नहीं होगा। हीम इज यूजुअली मोर इफेक्टिव एंड इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अनलेस सिम्टम्स आर माइल्ड। If rare, in rare instances, if symptoms are severe, liver transplant is recommended. ताकि वो जो enzyme defect है वो enzyme defect मुकम्मल तौर पे ठीक हो। तो ये तो बहुत serious cases में हमें ये करना हो। अच्छा, eating, diet और nutrition का porphyrias में क्या रोल? People with acute porphyria should eat a diet with an average or high level of carbohydrates. मतलब हमें एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया के मरीजों में कार्ब्स की डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं करने देनी, एक मुनासिब मकदार में उनको कार्बोहाइड्रेट इंटेक रखनी है, अदरवाइज एक्यूट अटैक ट्रिगर हो जाएगा। मैंने ट्रिगरिंग फैक्टर में लिखा था, बताया था कि डाइटिंग और फास्टिंग है, तो रोजे वोजे तो ये लोग नहीं रख सकते। द रिकमेंडेड डेयरी अलाउंस फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 130 ग्राम पर डे। Dieting and fasting trigger the symptoms of acute attack. Patient undergoing, अब हम बात कर रहे हैं उन porphyrias में जिसमें phlebotomies होती हैं। इसमें आपको milk, water, juices वगैरह पीने चाहिए, vitamins and mineral supplements लेने चाहिए cutaneous porphyria के मरीजों को। तो ये जो slide है ये एक general slide थी जिसमें acute और cutaneous दोनों porphyria की diet के बारे में थोड़ा सा बताया गया। अब हम आ रहे हैं क्यूटेनियस पोरफायरिया में, जो हमारी इस चैप्टर का और हमारी इस टॉक का मेन फोकस है, क्योंकि वी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट सी दीज क्यूटेनियस पोरफायरियास। अपार्ट फ्रॉम पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, जो सबसे कॉमनेस्ट पोरफायरिया है, एंड टू सम एक्सटेंट कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया, वेयर सम इफेक्टिव ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, management of skin in other cutaneous porphyrias is mainly based on preventing the light exposure. और porphyria के ऊपर जो wavelength of light effect करती है उसको वो violet वाले spectrum में होती है और उसको Schorrett wavelength कहते हैं, या Schorrett band कहलाते हैं, या Schorrett wavelength कहलाई जाती है। Connection between sun exposure and symptoms is very obvious in erythropoietic protoporphyria, but is not obvious in patients with other porphyrias ke jiske andar fragility or blistering sun exposure se related nahi hoti. Isliye bahut difficult ho jata hai patient ko ye convince karna ki aapki jo skin condition hai iske reason sun exposure hai. इस स्लाइड में दो बातें कन्वे हुई जो आपके लिए याद इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया गुंथस डिजीज और पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, वो दो पोरफायरियाज हैं कि जिनका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है, अदरवाइज बाकी तमाम पोरफायरियाज फोटो प्रोटेक्शन पे काम करते, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगरचे क्यूटेनियस पोरफायरियाज सन एक्सपोजर की वजह से पैदा होते हैं, ब्लिस्टरिंग होती है, स्कारिंग होती है, लेकिन एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया के अलावा जितने क्यूटेनियस पोरफायरियाज हैं उसमें पेशेंट्स फोटो या धूप की वजह से, धूप के नुकसानात की वजह से अवेयर नहीं होता, उसको मालूम नहीं होता कि उसकी बीमारी धूप की वजह से हो रही है, जबकि ईपीपी में पेशेंट इज एक्सट्रीमली फोटोसेंसिटिव, धूप में निकलते ही उसको पेन और बर्निंग शुरू हो जाती है और उसको वापस आना पड़ जाता है
कवर्ड एरिया में अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि पोरफायरियाज में धूप से बचने की जब एडवाइस आप देते हैं तो मरीज को बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है कि आपने धूप से नहीं निकलना, क्योंकि मरीज इज नॉट अवेयर कि सनलाइट उसके लिए कितनी नुकसान। अच्छा, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ पोरफायरिन। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन मॉलिक्यूल हैज 18 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स विद अनयूजुअल एक्साइटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पोरफायरिया क्यों फोटो सेंसिटिविटी करता है और बाकी कोई केमिकल क्यों नहीं करते, उसकी वजह ये 18 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टेट्रापायरोल रिंग के अंदर पाए जाते हैं। टेट्रापायरोल रिंग हीम सिंथेसिस के चौथे सबस्ट्रेट से शुरू होता है और फिर हीम तक टेट्रापायरोल रिंग मौजूद रहता है। इस टेट्रापायरोल रिंग के अंदर 18 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स सन एक्सपोजर से खास तौर पे 408 नैनोमीटर वेवलेंथ, जिसको हम सॉरेड बैंड कहते हैं, उस वेवलेंथ के पड़ने से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में एंटर हो जाते हैं, और जब एक्साइटेड स्टेट में एंटर होते हैं देन इट रिजल्ट्स इन फोटोटॉक्सिसिटी। All cutaneous porphyrias except EPP presents with fragility and blistering on light exposed area of the skin. इसी वजह से cutaneous porphyrias bullous porphyrias भी कहलाते हैं। The mechanism underlying the skin disease in all cutaneous porphyria is local porphyrin phototoxic reaction. जो मैंने बताया कि टेट्रापायरोल रिंग में 18 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्साइट होते हैं बिकॉज ऑफ 408 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको सॉरेड बैंड कहा जाता है, और उनके एक्साइट होने से ये डैमेज होती है। अब दो बातें और, हम क्यूटेनियस पोरफायरियस में हैं। इन एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया जो प्रोटोपोरफायरिन एक्यूमुलेट हो रही है, जो आखिरी सबस्ट्रेट है हीम से पहले, इट इज लाइपोफिलिक, एंड लाइपोफिलिक का मतलब है फैट सॉल्युबल, एंड इट टेंड टू लोकलाइज इन अपर डर्मल वेसल्स दैट कॉज पेन। पेन की वजह वेसल्स के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर पोरफायरिन होना भी है, तो ये भी एक कॉज है। जबकि इन पीसीटी जो यूरोपोरफायरिन है, जो पीसीटी का सबस्ट्रेट है, वो वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल बड़े आसानी से डिफ्यूज हो जाता है डीप इनटू द डर्म्स और रिजल्ट इन ब्लिस्टरिंग विद इन द डर्मस। नो सिंपल कोरिलेशन बिटवीन प्लाज्मा पोरफायरिन कंसंट्रेशन एंड सिवियरिटी ऑफ क्यूटेनियस डिजीज, एज लार्ज नंबर ऑफ अदर वेरिएबल्स आर आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस फोटोटॉक्सिक रिएक्शन। वेरिएबल्स में शामिल एज भी हो सकती है, वेरिएबल में शामिल स्किन टाइप भी हो सकती है, और टाइप ऑफ एक्सपोजर भी हो सकता है। तो अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इस रिएक्शन को ज्यादा या कम करने। तमाम क्यूटेनियस पोरफायरियास में जो मेन एडवाइस है वो सन प्रोटेक्शन की है, सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी करनी है और सन ब्लॉक्स भी यूज करने हैं। ओपेक रादर देन ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन्स आर रिक्वायर्ड। तो जो सनस्क्रीन्स पाबा वगैरह जो सनस्क्रीन्स होती हैं, केमिकल सनस्क्रीन, उसके बजाय फिजिकल सन ब्लॉक्स लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड्स आर प्रेफरेबल देन दीज आर। ये जो होते हैं ना, जो रिफ्लेक्टेंट होते हैं, सन ब्लॉक्स कहलाते हैं। जो केमिकल होती है ना, इस तरह पाबा है या और इस तरह के केमिकल्स हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये सनस्क्रीन्स कहलाते हैं। तो हमें, क्योंकि पोरफायरियाज एक एक्सट्रीम फोटो सेंसिटिविटी है, तो हमें ऐसे केमिकल्स चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेंट और सन ब्लॉक्स का काम करें। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोरफायरियास दैट कॉज क्यूटेनियस डिजीज बट डज नॉट कॉज एक्यूट अटैक, जो मेन हमारा टॉपिक है। सबसे पहले कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया, गुंथर्स डिजीज। कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और इसमें जो डिफेक्ट है वो फोर्थ एंजाइम का है, जिसका नाम है यूरोपोरफायरिनोजन 3 को सिंथेटेज। इसकी डिफेक्ट
एफिशिएंसी की वजह से देयर इज मैसिव एक्युमुलेशन ऑफ टाइप 1 आइसोमर ऑफ पोरफायरिन मैसिवली एक्युमुलेट इन एथेरॉइड सेल्स एंड ग्रेजुअली लीक इनटू द प्लाज्मा. ये हम वापस जा रहे हैं अपने हीम सिंथेसिस पे. ये नंबर फोर्थ स्टेप है यूरोपोरफायरिनोजेन 3 को सिंथेटिस, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन एक्यूमुलेट हो रहा है इन बोन मैरो इन आरबीसी. यहाँ मैंने रेड से शो भी किया हुआ है. ये फोर्थ एंजाइम है हीम सिंथेसिस का और पहला सबस्ट्रेट है जिसके अंदर टेट्रापायरोल रिंग पाया जाता है. Congenital erythropoietic porphyria has wide spectrum of presentation. बहुत सारे लोगों में hydroxyphytalis, मतलब ये कि बच्चों में होगा तो maybe intrauterine death हो जाती है और बाज दफा infancy में ही बहुत severe disease होती है और very rare ये है कि mild form की presentation होगी and later life में जाहिर. Usually the first sign of congenital erythropoietic porphyria is mother noting the brown discoloration of amniotic fluid. जब लीक होती है बिफोर द बर्थ तो वो जो amniotic fluid है वो ट्रांसपेरेंट के बजाय ब्राउन कलर का होता है. और दूसरी बात जो मदर नोट करती है वो यंग बच्चों में जो यूरिन आता है वो ब्राउन स्टेनिंग करता है नेपीज में. और वो उस नेपी को अगर वुड्स लाइट में देखें तो रेड ऑरेंज फ्लोरेसेंस देखती है. जो फोटोटॉक्सिक सेंसिटिविटी है वो इन्फेंसी से शुरू हो जाती है और ब्लिस्टरिंग अकर ऑन मिनिमल लाइट एक्सपोजर रिजल्टिंग इन फ्रेजिलिटी. रिपीटेड बाउट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉज फोटो म्यूटिलेशन स्कारिंग पर्टिकुलरली फेस एंड हैंड लीडिंग टू रिसॉर्प्शन ऑफ टर्मिनल फेरेंजेस ऑनिकोलाइसिस एंड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस अफेक्टिंग द पिन्ना एंड नोज. ये वो वाहिद पोरफायरिया है कंजेंटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के जिसके अंदर फोटोटॉक्सिसिटी एक्सट्रीम नौइयत की और इस एक्सट्रीम फोटोसेंसिटिविटी की वजह से डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होती हैं जो सिर्फ स्किन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती वो बोन डीप चली जाती. इसकी वजह से फेस भी म्यूटिलेट और डिसफिगर हो जाता है और हाथों में भी हैंड्स एंड फीट टोज और फीट भी डिस्ट्रॉय और म्यूटिलेट हो जाते हैं. डिफ्यूज सूडोस्क्लेरोमेटस थिकनिंग ऑन सन एक्सपोज्ड एरिया हाइपरट्रिकोसिस इन अपर आर्म टेम्पल्स एंड मेलर एरिया. हाइपरट्रिकोसिस जनरली तमाम पोरफायरियास का एक फीचर है. आप एक बात जहन में रखें कि क्यूटेनियस पोरफायरियास जो हैं वो जो क्यूटेनियस पोरफायरियाज हैं वो सारे के सारे फोटोसेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं तो वो तमाम फोटो डर्माटाइटिस के जो फीचर्स हैं ये जो मैं अगर आपसे एक जनरल पूछूं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोटो डर्माटाइटिस या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोटो डैमेज स्किन वो सारे के सारे फीचर्स पोरफायरियाज के अंदर पाए भी जाएंगे और ज्यादा भी होंगे. मिसाल के तौर पे क्यूटेनियस एट्रोफी स्कारिंग हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन टेलेंगिक्टेसिया ये सारे जो फीचर्स हैं ये क्रॉनिक फोटोडर्मेटाइटिस के फीचर्स. ये सारे के सारे फीचर्स हम तमाम क्यूटेनियस पोरफायरियाज में देखेंगे और एक्सटेंसिवली ज्यादा मैनिफेस्टेशन में देखेंगे ऑब्वियसली क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी है तो वो फीचर्स जो फोटो सेंसिटिविटी की वजह से हैं वो सारे के सारे फीचर्स ज्यादा वाजे हो जाए. तो हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन बोलो हाइपर ट्राइकोसिस की वजह एक्सप्लेन नहीं है. हाइपर ट्राइकोसिस की वजह कोई प्रॉपर उसका रीजन नहीं है. आम तौर पे कोई स्टिमुलेशन जरूर है उन हेयर फॉलिकल्स में बिकॉज ऑफ पोरफायरिया एंड फोटोटॉक्सिक रिएक्शन की जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस टर्मिनल हेयर फॉलिकल्स. वो जो लेनुगो हेयर्स है ना वो टर्मिनल हेयर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रॉबली बिकॉज ऑफ सम
stimulus to the hair follicles because of this porphyrias and sab kuch ki wajah se main apna majid ko na ban. तो ये हाइपरट्रिकोसिस की कॉज है, इसके अलावा कोई बिल्कुल क्रिस्प रीजन एज सच डिस्क्राइब नहीं. कंजेंटल एथ्रोपोइडिक क्या सर स्टेम सेल की तो नहीं स्टिमुलेशन होती वो लाइट की किसी वेवलेंथ की वजह से? कोई बहुत ना इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि ख्याल यही है कि ये जो पोरफायरिन केमिकल्स हैं और जो फोटोटॉक्सिक रिएक्शन है उसकी वजह से हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होता है, स्टेम सेल के लेवल पे होता है कि डिफरेंट थ्योरीज हो सकती हैं, लेकिन उससे ना फोटो टॉक्सिक रिएक्शन की वजह से हेयर फॉलिकल की स्टिमुलेशन हो रही है और जो नॉर्मल लेनुगो हेयर्स हैं वो टर्मिनल हेयर्स में कन्वर्ट हो. अच्छा, कंजेंटल एथ्रोपोटिक पोरफायरिया में देर इज मार्क्ड हाइपर पिगमेंटेशन, स्कारिंग, ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, ये सारे इसके फीचर हैं. सिवियर फोटो डैमेज, मतलब वो तमाम फोटो डैमेज इफेक्ट्स के जो बाकी पोरफायरियाज में देखे जाते हैं वो कंजेंटल एथ्रोपोटिक पोरफायरिया में पहले से कहीं ज्यादा हो जाते. तो इसलिए अगर क्यूटेनियस पोरफायरियाज का सबसे बुरा पोरफायरिया है तो वो कंजेंटल एथ्रोपोटिक पोरफायरिया है. और मैंने आज ये भी कहा कि कंजेंटल एथ्रोपोटिक पोरफायरिया इतना बुरा है कि उसमें स्किन से लेके नीचे तक बोन तक डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से ऑस्टियोलाइसिस एंड बोन रिजॉर्प्शन. इसके अलावा जो एक्सट्रीम फोटोसेंसिटिविटी है वो आईज पे भी अफेक्ट करती है, केराटोकंजंक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, कैटरैक्ट. बोन्स एंड टीथ पे भी अफेक्ट करती है. बोन्स टीथ आर यूजली ब्राउन स्टेन और फ्लोरेसेंस देंगे ऑरेंज रेड वुड्स लाइट में. ऑस्टियोपीनियाज होगा, ऑस्टियोलिटिक लिजन्स होंगे, वर्टिकल कंप्रेशन होगा. आमतौर पे कंजेंटल एथ्रोपोटिक पोरफायरिया के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत लंबे टॉल हो नहीं सकते, छोटे कद के ही होते हैं. जितने मरीज मैंने भी आज तक देखे सारे के सारे छोटे कद के बंदे थे. हिमेटोलॉजिकल डिफेक्ट होना भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे जो पोरफायरिया है ये एक्यूमुलेट हो रहा है आरबीसीज के अंदर. तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोरफायरिन इन रेड सेल्स कॉज हीमोलिटिक एनीमिया, वो आरबीसी टूटते हैं, मैरो हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरस्प्लेजिया. अपने आप को म्यूट रहने दें प्लीज, जब मेरा लेक्चर हो जाए तो उस वक्त सवाल कर लीजिएगा. इन पास्ट मोस्ट पेशेंट्स हैव डाइड बाय द एज ऑफ 40 और हिमेटोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस आर यूजुअली फेटल. की मार्कर्स ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस इन कंजेनिटल एथ्रोपोटिक पोरफायरिया आर अर्ली ऑनसेट डिजीज एंड सिग्निफिकेंट हिमेटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट. तो ये बात जहन में रखिए कि कॉज ऑफ डेथ इज यूजुअली हिमोलिटिक एनीमिया एंड बोन मैरो हाइपरप्लेजिया. देयर विल बी मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ यूरोपोरफायरिन and coproporphyrin. Red cells and urine contain large amount of uro and coproporphyrin, mainly type 1. Acha ye type 1 kya hai? Your non-enzymatic pathway se congenital erythropoietic porphyria mein jo defect hai wo uroporphyrin 3 ko synthesize ka hai, jiski wajah se हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलेन एक्यूमुलेट हो रहा है. और हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलेन बगैर किसी एंजाइम के स्पॉन्टेनियसली यूरोपोरफायरिनोजन 1 और में कन्वर्ट हो जाता है. और यूरोपोरफायरिनोजन 1 बगैर किसी एंजाइम के कॉर्पोरफायरिनोजन 1 में कन्वर्ट हो जाता है. जो हीम पाथवे के एंजाइम्स हैं उनके साथ 3 का लफ्ज इस्तेमाल होता है और ये सारे जो कन्वर्जन्स हैं यूरोपोरफायरिनोजन 3 जो एक्यूमुलेट होता है यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी से पीसीटी में या कॉर्पोपोरफायरिनोजन 3 जो हेरिडिटरी कॉर्पोपोरफायरिया में एक्यूमुलेट होता है, ये एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं.
यूरोपोरफायरिनोजेन 1 और कॉर्पोरफायरिनोजेन 1 जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन से कन्वर्शन में बनते हैं, ये दोनों स्पॉन्टेनियसली बन रहे हैं विदाउट एनी एंजाइम। तो एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए जब सुनीता बोलो, सुनीता अच्छा अब मैंने यहाँ पे ये लिखा ना इन्वेस्टिगेशन में, मैं निकलता हूँ उठाऊंगा तुम्हें साथ तकरीबन 7:30। रेड सेल्स इन यूरिन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ यूरो एंड कॉर्पोरफायरिन मेनली टाइप 1 एंड फीसेस कंटेन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्पोरफायरिन टाइप 1। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि यूरोपोरफायरिन 1 और कॉर्पोपोरफायरिन 1 एक्यूमुलेट हो रहा है। जी सर। क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? क्योंकि ये दो जो एंजाइम्स हैं, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन से स्पॉन्टेनियसली बन रहे हैं। तो इसके अंदर कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया में यूरोपोरफायरिन और कॉर्पोपोरफायरिन टाइप 1 एक्यूमुलेट हो। The mainstay of congenital erythropoietic porphyria is photoprotection or treatment of hemolytic anemia by hypertransfusion. From treatment of secondary infection is also important. Hypertransfusion with regular blood to maintain polycythemia inhibit the endogenous hemoglobin production and decrease porphyrin formation. ये बात समझ आई? जी सर। जब आप पॉलीसाइथीमिया इंड्यूस करेंगे तो पॉलीसाइथीमिया विल ऑटोमेटिकली इनहिबिट द हीम सिंथेसिस, एंड जब हीम सिंथेसिस इनहिबिट होगा तो जाहिर है वो जो डेंजरस पोरफायरिन सबस्ट्रेट्स हैं जो फोटोटॉक्सिक हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होंगे। तो हमें कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया की मैनेजमेंट का जो कॉर्नर स्टोन है वो पेशेंट का हीमोग्लोबिन को ज्यादा रखना है। हाइपरट्रांसफ्यूजन इज फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लिकेटेड बाय आयरन ओवरलोड। अब जाहिर है जब आप जरूरत से ज्यादा ब्लड लगा रहे हैं तो आयरन ओवरलोड होगा। व्हेन डेस्फेरियोक्सामिन इज यूज्ड, इंट्रावीनस हेमेटिन इनहिबिट्स पोरफायरिन सिंथेसिस। ट्राइड इन बाद दफा हम अगर हम हाइपर ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते तो देन अल्टरनेट्स इज इंट्रावीनस हेमेटिन, वो भी फिर पोरफायरिन सिंथेसिस को हीम सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। स्प्लीनेक्टमी क्योंकि हिमोलिटिक एनीमिया है कॉम्प्लिकेशन में, तो इसलिए स्प्लीनेक्टमी जब भी हिमोलिटिक एनीमिया होता है तो स्प्लीनेक्टमी का फायदा होगा। इन 1991 एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्रॉम एन HLA कॉम्पैटिबल डोनर हैज इमर्ज्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। Gene therapy has been successfully used in vitro but no in vivo studies. अच्छा, अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि congenital erythropoietic porphyria में basically हमने indirectly heme synthesis को inhibit करना है by either hypertransfusion inducing polycythemia और अगर ये possible नहीं है तो intravenous hematin और splenectomy अगर hemolysis हो रही है और allogeneic bone marrow transplant कि जब हालात बहुत खराब हो गए, जब बिल्कुल ही बोन मैरो फेलियर हो गए। जेनेटिक काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट, इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज एंड चांस ऑफ गेटिंग इनटू एवरी प्रेगनेंसी इज अबाउट 25%। यू ऑल नो अबाउट दिस। डायग्नोसिस कैन बी मेड बिफोर बर्थ बाय फाइंडिंग यूरोपोरफायरिन 1 कंसंट्रेशन इन एमनियोटिक फ्लूइड। अब आ गया हमारा फेवरेट पोरफायरिया कि जो सबसे कॉमनली देखा जाता है, ये है जनाब कंजेनिट पोरफायरिया क्यूटेनिया टाटा। पोरफायरिया क्यूटेनिया टाटा इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल क्यूटेनियस पोरफायरिया, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेजिलिटी एंड ब्लिस्टरिंग ऑफ एक्सपोज्ड स्किन, यूजुअली एक्वायर्ड एंड ऑफन एसोसिएटेड विद लिवर डिजीज।
ये वो पोरफायरी है जो लिवर का पोरफायरी एंजाइम फिफ्थ एंजाइम है, इसके बाद वाला कंजेनिटल एथ्रोपोटिक पोरफायरी के बाद वाला एंजाइम यूरोपोरफायरिनोजेन डी कार्बोक्सिलेज, इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरोपोरफायरिन। थ्री टाइप 75% जो पीसीटी है वो है बिकॉज एक्वायर्ड डेफिशिएंसी, एंजाइम डेफिशिएंसी इज एक्वायर्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू हेपेटोसाइट्स। टाइप टू जो है वो 25% है, इसमें एंजाइम डेफिशिएंसी हेरिडिटरी है एंड एसोसिएटेड विद यूरो डीकार्बोक्सिलेज जीन म्यूटेशन। एंड टाइप थ्री इज अ रेयर वन, जिसमें हेरिडिटरी एंजाइम डेफिशिएंसी सिर्फ लिवर के अंदर। टॉक्सिक पोरफायरियास कौन से हैं कि जिसमें हेलोजिनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, और ये किसी एंजाइम डिफेक्ट की वजह से नहीं है, ये बिकॉज इसलिए इसको टॉक्सिक पोरफायरिया ये या ये स्यूडो पोरफायरियास में शुमार होता है। यूजली उन लोगों में होता है कि जो हर्बिसाइड्स के साथ काम करते हैं। स्पोरेडिक पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा प्रेजेंट्स इन मिडिल एज while familial form in young age. जो 75% of the cases हैं कि जिसमें acquired defect है enzyme का वो middle age में आते हैं, और जो 25% हैं वो usually young age में आते हैं। there is increased fragility on light exposed skin, particularly back of hands and forearms. Patients suffer from painful bully, which may increase to over 1 centimeter in size and hemorrhagic हो सकते हैं। Hemorrhagic bully के DD में पोरफायरिया के अलावा EBA याद रखना है। कई दफा आपसे सवाल पूछेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेमरेजिक ब्लिस्टर्स, तो इसलिए हेमरेजिक ब्लिस्टर में पोरफायरियास के अलावा जो दूसरा DD है वो है EBA, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा का, चाहे वो कंजेनिटल नोयत का हो चाहे वो एक्वायर्ड। अच्छा, वही पेनफुल बुला वुड लीव एट्रोफिक स्कार्स, वुड लीव माइलियाज एंड मॉटल हाइपर एंड हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपरट्रिकोसिस अगेन, photoonycholysis, accelerated solar elastosis, morphia-like plaques, मतलब वो सारी changes जो एक बंदे में 60-70 साल की उम्र में चेहरे पे आनी थी वो porphyria cutanea tarda में 25-26 साल में आता। तो increase skin fragility, multiple scars, off and on blisters, हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपरट्रिकोसिस, ये वो फीचर्स हैं जो आप सन एक्सपोज्ड एरियाज में देख के पेशेंट को पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा का डायग्नोसिस दें। स्किन फ्रेजिलिटी, ऑफ एंड ऑन ब्लिस्टर्स, मे बी हेमरेजिक, एट्रोफिक स्कार्स, हाइपो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपरट्रिकोसिस एंड मे बी क्लियोडर्मेटस थिकनिंग ऑफ द स्किन। Hypertrichosis. In porphyria cutanea tarda, urine के अंदर uroporphyrin 3 accumulate हो रहा है और feces में isoporphyrin accumulate हो रहा है, तो urine analysis is sufficient to diagnose porphyria cutanea tarda. Histopathology. Generally, तमाम porphyrias की histopathology एक जैसी। जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं जहां ये नजर आ रही है उनके गिर्द एक हाइलाइन मटेरियल की डिपोजिशन है, मतलब ये वेसल्स की वॉल काफी थिक वेसल वॉल हैं, इनके गिर्द एक आपको पिंकिश सा मटेरियल पड़ा हुआ नजर आ रहा है जिसको हम कहेंगे हाइलाइन मटेरियल। अगर हम पीएस स्टेन करेंगे तो ये जो हाइलाइन मटेरियल है ब्लड वेसल का वो पीएस स्टेन को पकड़ेगा और ऐसे लगेगा जैसे ब्लड वेसल्स थिक और ब्लड वेसल वॉल थिक हुई हुई है पीएस पॉजिटिव मटेरियल्स। ये मजीद प्रूव हो जाएगा पोरफायरिया का। पीसीटी में जब ब्लिस्टरिंग होगी तो वो नंबर एक वो ब्लिस्टरिंग होगी सब एपिडर्मल। मैंने आपको बताया इसलिए सब एपिडर्मल होती है क्योंकि वाटर सॉल्युबल्स पोरफायरिन्स हैं पीसीटी में जो डर्मिस के अंदर चले जाते हैं, डर्मिस में क्यूटेनियस रिएक्शन हो रहा है और उसकी वजह से कोलेजन की डिसइंटीग्रेशन हो रही है रिजल्टिंग इन अ ब्लिस्टर, दैट ब्लिस्टर इज सब एपिडर्मल और दिस ब्लिस्टर इज सेल पुअर ब्लिस्टर। पोरफायरिया का जो ब्लिस्टर है
वो सेल पुअर ब्लिस्टर के डिफरेंशियल्स में आता है, जिसके अंदर एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा भी आता है, डायबिटिक बुला भी आता है, सक्शन ब्लिस्टर भी आता है, क्रायो इंड्यूस्ड ब्लिस्टर भी आता है वगैरह। एक्सक्यूज मी सर, सर काइंडली ब्लिस्टर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म एक बार दोबारा बता दीजिए। ब्लिस्टर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म ये है कि पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा में जो पोरफायरिन सबस्ट्रेट एक्युमुलेट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल, और वो वाटर सॉल्युबल सबस्ट्रेट्स डर्मिस के अंदर चले जाते हैं, और जो फोटोटॉक्सिक रिएक्शन डर्मिस में हो रहा है रिजल्टिंग इन डैमेज टू कॉलेजन, जब कॉलेजन डैमेज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उस जगह पे स्पेस क्रिएट हो रही है जो सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग की तरह से जाहिर हो रही है, और वो जो ब्लिस्टरिंग है वो सेल पुअर ब्लिस्टरिंग, वहां पे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट कोई ज्यादा कंसेंट्रेशन में मौजूद नहीं होता। अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएं पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा में तो आमतौर पर IgG और C3 डिपोजिशन मिलती है सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स। ये स्टडी बिल्कुल यूजलेस स्टडी, ये सिर्फ थ्योरेटिकल या इंटरेस्ट में ये बात की गई है, वरना ये टेस्ट कराने की बिल्कुल पोरफायरिया को डायग्नोस करने की जरूरत नहीं है। पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा इज मेनली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, और प्रूव करने के लिए हम यूरिन में पोरफायरिन स्टडीज कराना बहुत काफी होती है। रिस्क फैक्टर्स टू डेवलप पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा: सब क्लिनिकल जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस, हेपेटाइटिस सी, एल्कोहल, एस्ट्रोजन एंड हीमोडायलिसिस, ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा इंड्यूस हो सकता है। मैनेजमेंट में सबसे पहला चीज तो फोटो प्रोटेक्शन है, और दूसरी चीज एलिमिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स है। ट्रीटमेंट क्या है? There are two specific treatments of porphyria cutanea tarda. One of the treatment is venesection. अब यहाँ देखें कितना डिफरेंस था congenital erythropoietic porphyria के ट्रीटमेंट का PCT के साथ। Congenital erythropoietic porphyria में हम हाइपर ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, हम हीमोग्लोबिन को पॉलीसाइथीमिया के लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि रिवर्सिबली इनहिबिट हो जाए हीम सिंथेसिस, जबकि पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा में हम विनीसेक्शंस कर रहे हैं टू डिप्लीट द आयरन स्टोर एंड एलिमिनेट हेपेटिक आयरन ओवरलोड एंड रिड्यूस पोरफायरिन क्रिस्टल एक्यूमुलेशन। ये पर्पस है बेसिकली, क्योंकि PCT लिवर के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं पोरफायरिन, तो और उसकी एक्यूमुलेशन से जो हेपेटिक आयरन ओवरलोड है वो बढ़ रहा है, विनीसेक्शन वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द हेपेटिक लोड एंड रिड्यूसिंग द पोरफायरिन क्रिस्टल फॉर्मेशन। विनीसेक्शन का प्रोटोकॉल क्या है? 500 ml of ब्लड इज रिमूव्ड एवरी 2 weeks, एमिंग टू कीप HbA एट 11 to 12 एंड प्लाज्मा फेरेटिन बिलो 25 microgram per liter। इफ वी कीप ऑन डूइंग दिस विनीसेक्शन, blistering and skin fragility improves in 6 to 9 months and porphyrin concentration normalize ho jati hai in 13 months. Venesection ke ilawa desferrioxamine will result in earlier remission than venesection because it rapidly chelates the hepatic iron, and agar renal failure ka patient hai jisme already Hb bahut kam hota hai, us case mein hum venesections nahi kar sakte, हमें उस वक्त या तो डेस्फेरियोक्सामीन को यूज करना है या हमें एरिथ्रोपोएटिन यूज करना है। एरिथ्रोपोएटिन का भी यही काम होगा कि वो लिवर के ऊपर जो आयरन ओवरलोड है उसको कम करेगा और पोरफायरिन क्रिस्टल की एक्युमुलेशन कम हो। इसको समराइज कर रहा हूं मैं पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा के फर्स्ट ट्रीटमेंट को, विच इज कॉल्ड एज विनीसेक्शन, जिसको हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से 500 ml every 2 weeks निकालना है और निकालते चले जाना है for few months, 6 to 9 months में skin findings improve होती हैं। Purpose to reduce the iron overload in the hepatocytes and reduce the porphyrin accumulation in hepatocytes. अगर patient renal failure का मरीज है जो already anemic है, उस केस में आप विनीसेक्शन नहीं कर सकते,
इस सूरत में आप डेस्फरीऑक्समीन एंड इरिथ्रोपोएटिन को यूज करेंगे एज अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर। दूसरी चीज जो आजकल की सबसे पॉपुलर ड्रग है वो है एंटी मलेरिया। क्लोरोक्विन 125 मिलीग्राम और 250 mg ट्वाइस अ वीक एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 100 और 200 mg ट्वाइस अ वीक इज सेफ एंड इफेक्टिव एंड इट लीड टू क्लिनिकल रिमिशन इन 6 months। जो रैशनल है वो इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं, लेकिन ख्याल यही है कि ये जो एंटी मलेरियल्स हैं ये लिवर के पोरफायरिन स्टोर्स पे काम करती हैं और पोरफायरिन स्टोर्स इन लिवर को डिप्लीट करती हैं। अनदर प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज डिक्रीजेस द हेपेटिक डेल्टा एमिनोलेविलिनेट सिंथेटेज एक्टिविटी एंड इंक्रीज यूरिनरी आयरन एक्सक्रीशन। आप बस ये समझें कि वेनी सेक्शन के अलावा एंटी मलेरियल का एक रोल हेपेटिक पोरफायरिन एक्यूमुलेशन को रिड्यूस कर। लो डोज एंटी मलेरियल है, हाई डोज में ये काम नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा। तो लो डोज ट्वाइस अ वीक आपने एंटी मलेरियल की देखी है। जो वेनी सेक्शन से जो रिमिशन हो रही है 6 to 9 months में, वो क्लोरोक्विन से 17 to 24 months में हो रही है। इसका मतलब यह है कि वेनी सेक्शन इज मच मोर इफेक्टिव देन लो डोज एंटी मलेरियल। और वेनी सेक्शन की वजह से रिलैप्स भी बहुत लेट हो। अब आ गया हमारा तीसरा पोर्टफोलियो, इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया। इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया लाइक कंजेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया इरिथ्रोटिक पोरफायरिया है जो आरबीसीज में पोरफायरिन एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं। डेफिशिएंट एंजाइम इज फिरोकेलेटेज जो आखिरी एंजाइम है हीम पाथवे का, और एक्यूमुलेट इसकी डेफिशिएंसी से जो एंजाइम एक्यूमुलेट हो रहा है वो फिरोकेलेटेज है। और ये जो फिरोकेलेटेज है जो सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट हो रहा है प्रीडोमिनेंटली ये उन सेल्स के अंदर होगा जो एरिथ्रोइड सीरीज के होंगे। ये जो पोरफायरिन लेडन रेड सेल्स हैं जो पोरफायरिन हीम सिंथेसिस के डिफेक्ट की वजह से जो फिरोकेलेटेज की वजह से जो आरबीसीज के अंदर जो फिरोकेलेटेज पड़ा है उनकी वजह से जो ये सेल्स पास होते हैं डर्मल वेसल से, और जब ये सेल्स सोरेट लाइट पे एक्सपोज होते हैं तो ये फोटो एक्टिवेट हो जाते हैं। और चूंकि ये सेल्स आरबीसीज के अंदर, ये पोरफायरिन आरबीसीज में है और ये आरबीसी रन कर रहा है ब्लड वेसल्स में, और जब लाइट पड़ रही है तो वो जो रिएक्शन है वो आरबीसीज के अंदर क्रिएट हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली एंडोथीलियम के को डैमेज करता है ये सारा का सारा फोटोटॉक्सिक रिएक्शन। और ये जो एंडोथीलियल डैमेज है ये पेशेंट में क्लिनिकली एक्सट्रीम डिग्री ऑफ बर्निंग पेन के साथ मैनिफेस्ट करती है। कभी एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया के पेशेंट धूप में जाते ही बर्निंग पेन की कंप्लेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पोरफायरिन सबस्ट्रेट है वो आरबीसीज में है, आरबीसीज ब्लड में रन कर रहे हैं और उस ब्लड के अंदर के ऊपर स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जब सन एक्सपोजर होता है जब सॉरेट लाइट पड़ती है तो वो सारा काम वही हो रहा है फोटोटॉक्सिक रिएक्शन क्रिएट होने का, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये आरबीसीज के अंदर हो रहा है। और उस आरबीसी के जो फोटोटॉक्सिक रिएक्शन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से एंडोथीलियल डैमेज हो रही है, और एंडोथीलियम की जो डैमेज हो रही है दैट इज इंड्यूसिंग द एक्सट्रीम बर्निंग पेन जो ईपीपी का फीचर है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट। ईपीपी कॉज इमीडिएट पेन ऑन एक्सपोजर टू ब्राइट सनलाइट एंड दिस इज पेन इज सो सिवियर दैट इट वुड रिजल्ट इन क्राइंग ऑफ बेबीज ऑन सन एक्सपोजर। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछो सर जी। हेलो पूछे पूछे
जब ईपीपी में बर्निंग हो रही है, जैसे आरबीसी का आरबीसी से प्रोफायरिंस है, तो सर जो गंथर्स है सीईपी में भी तो सर आरबीसी में प्रोफायरियाज है, जो प्रोफायरिंस है, सर वहां पे बर्निंग क्यों नहीं हो रही है? जो कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया के जो, हाँ बताओ 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 जो बताना चाहते, का रीजन ये है कि जो हमारा हीम सिंथेसिस पाथवे है, जितने भी उसके सबस्ट्रेट्स हैं उसमें से आधे सबस्ट्रेट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, और कोप्रोपोरफायरिनोजन इटसेल्फ और उसके बाद वाले जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं दे आर फैट सॉल्युबल. तो जो वाटर सॉल्युबल हैं उनकी वजह से ब्लिस्टरिंग, क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाते हैं, और ये जो ये वाला है ये फैट सॉल्युबल है, तो इट इज लाइक लिमिटेड टू द एंडोथेलियम. ये वेसल से आरबीसी से निकल के सिर्फ रप्चर करके एंडोथेलियम को डैमेज कर सकता है बिकॉज इट इज लाइपोफिलिक. That's why इसके अंदर, yes, that's why it is causing pain and rupture to the blood vessels, जिसमें हमें फिर patient में prominent purpura वगैरह मिल सकता है skin की findings में, and burning और उसकी edema की और urticaria type redness की जो है वो complaints patient कर सकते हैं. देखो एक तरीका तो यही है जो आपने explain किया कि जो ये वाला प्रोटोपोरफायर फिरोकेलेटेज है, ये फिरोकेलेटेज लिपोफिलिक है, ये मैं पहले भी लेक्चर में बताया, ये लिपोफिलिक है और ये आरबीसीज के अंदर रहता है बहुत देर तक और एंडोथीलियम में डैमेज करता है. जबकि कंजेटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में जो मेन एक्यूमुलेशन है वो यूरोपोरफायरिनोजन 1 और कोपोपोरफायरिनोजन 1 की है. ये यूरोपोरफायरिनोजन 1 और कोपोपोरफायरिनोजन 1 ये लिपोफिलिक नहीं है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये मतलब वाटर सॉल्युबल है. तो ये डीप चले जाते हैं और ये इतनी बर्निंग पेन क्रिएट नहीं करते, डैमेज का उसका डैमेज बहुत हो रही है डर्मिस के अंदर लेकिन बर्निंग पेन नहीं हो रही. जबकि फिरोकेलेटेज चूंकि लिपिड सॉल्विंग है तो ये आरबीसीज के अंदर ही रहता है और ये बर्निंग पेन क्रिएट करता है रादर देन कॉजिंग मच डैमेज. मतलब कंजेंटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में जो डैमेज है वो कहीं ज्यादा है ईपीपी के मुकाबले, लेकिन पेशेंट उस डैमेज को फील नहीं कर पा रहा. जबकि ईपीपी के अंदर डैमेज बहुत कम है कंजेंटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के मुकाबले में, लेकिन पेशेंट को वो डैमेज फील हो बिकॉज के एक के अंदर जो पोरफायरिन है वो सिर्फ आरबीसीज के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है और एक के अंदर डिफ्यूज डर्मस में पड़ा. ठीक है? ओके सर. अच्छा ऑनसेट लेटर इन चाइल्डहुड डज अकर बट एडल्टहुड इज वेरी रेयर इन ईपीपी. जनरली बचपन में ही पता चल जाता है. इन समर एंड स्प्रिंग एंड समर मंथ्स एनी टाइम फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू एन आवर ऑफ सन एक्सपोजर मेक द पेशेंट अनकंफर्टेबल विद इचिंग ऑन डॉर्सल ऑफ हैंड्स एंड फीट. चिल्ड्रन ऑफन फाइंड पार्शियल रिलीफ विद कोल्ड वाटर एंड वेट क्लोथ्स. द ओनली फिजिकल साइन ड्यूरिंग अटैक इज एन एडीमा और माइल्ड सा एरिथीमा. इन सिवियर अटैक पर्पुरा क्रस्टेड वेसिकल्स एंड इरोजन्स मे फॉर्म. एंड यही जो क्रस्टेड वेसिकल्स होते हैं, अच्छा बड़े ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे, माइलिया फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हल्के स्मॉल वेसिकल्स इरोजन्स एंड पॉक लाइक स्कारिंग. फिर थिकनिंग ऑन मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स, वैक्सी स्कारिंग ऑन द नोज, ये फीचर्स हो जाते हैं क्योंकि एरिथ्रोपोइटिक है तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, विटामिन डी डिफिशियंसी एसोसिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है बिकॉज हम धूप तो लगा ही नहीं रहे ऐसे मरीज को, तो जाहिर है विटामिन डी डेफिशिएंसी भी क्रिएट होगी. अब यहाँ पे जहन में रखें कि कंजेंटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में हिमोलिटिक एनीमिया है, इसमें नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें माइक्रोसिटिक नॉर्मोसिटिक या हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक. The diagnostic finding is increased red cell free porphyrin concentration. Fecal porphyrin भी होता है, लेकिन erythropoietic
प्रोटो पोरफायरिया में यूरिनरी पोरफायरिन स्टडीज नेगेटिव आते, तो इसलिए ईपीपी में अगर हम यूरिन टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, आप मिस कर सकते हैं। हमें स्टूल और आरबीसीज या ब्लड में पोरफायरिन स्टडीज करा। सन प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, इसका तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो पहले दो पोरफायरियास के थे, इसका सिर्फ ये ट्रीटमेंट है कि जो सिवियर फोटो रिएक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ सिंगलेंट ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन स्पीशीज या बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, उसको कम करने के लिए हम ओरल बीटा कैरोटीन को यूज कर सकते हैं इन अ डोज ऑफ 180 mg डेली इन एडल्ट्स, हाफ डोज इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग समर और स्प्रिंग मंथ। जो बीटा कैरोटीन है उसका काम स्कैवेंजिंग करना है फ्री रेडिकल्स की और सिंगलेंट ऑक्सीजन, और इट टेक्स सेवरल मंथ्स फॉर इट्स इफेक्ट। तो हम सिर्फ ये जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन के देने से हम सिम्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, डिजीज पे कोई फर्क नहीं। और एक साइड इफेक्ट बीटा कैरोटीन का पिंक डिस्कलरेशन है स्किन की। देर आर कंट्रोल ट्रायल्स ऑफ एन एसिटाइल सिस्टीन इन कोलेस्टेरामी, सेम पर्पस। बाज दफा पुआ, नैरो बैंड पुआ भी दी जाती है, नैरो बैंड यूवीबी भी दी जाती है टू इंक्रीज फोटो प्रोटेक्शन बाय मेकिंग एपिडर्मस थिक। इस एपिडर्मल थिकनिंग इंड्यूस करने से फोटो प्रोटेक्शन हो सकती है। दिस इज अ न्यू केमिकल, जो अगर आप एफामेलानोटाइड इज एन अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट शोज सम प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन इनिशियल ट्रायल्स ऑफ ईपीपी पेशेंट्स। कैसे काम करेगा, कितना इफेक्टिव होगा, इट्स स्टिल अंडर ट्रायल। तो ये हो गया ईपीपी। सर, ऐसे पेशेंट के लिए जब अगर नैरो बैंड यूवीबी का इस्तेमाल करना हो हमें एपिडर्मिस को थिक करने के लिए, तो फिर हमारी स्टार्टिंग डोज या फिर हमारा थोड़ा बहुत डोज का या क्या होना चाहिए, हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव। जब भी हम यूवीबी थेरेपी स्टार्ट करते हैं या पूवा स्टार्ट करते हैं, हम मिनिमल इरिथीमा डोज से स्टार्ट करते हैं। बाद में हम फोटो पैच टेस्ट भी कर सकते हैं, हम मिनिमम इरिथीमा डोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि एक एक्सट्रीम फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर है तो आपकी दोनों सूरतों में बहुत कम इंटेंसिटी होगी एक नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले में पूवा की या यूवीबी की, कि जिससे पेशेंट अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा लेकिन स्किन एपिडर्मल थिकनिंग इंड्यूस हो, वरना ज्यादा करेंगे तो सारे पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाएगा। जी हार्मोन है तो वो ये उसका पर्पस हो सकता है। मैंने कहा कि इसके ऊपर क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल नौयत का एक स्टेटमेंट थी, जो आप ये जरूर कर सकते हैं कि दिस इज फ्यूचर जिसके ऊपर काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, क्या कर रहा है, यही कर रहा है या कोई और वजह है, वो फिर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी ट्रीटमेंट है वो इसके साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करना। अच्छा, अब हमने डिस्कस करने हैं वो पोरफायरियाज कि जो क्यूटेनियस डिजीज के साथ अब वो पोरफायरियाज हमने डिस्कस करने हैं जो एक्यूट एक फेनोमेना के साइकोलॉजिकल क्या हो गया डिस्क्राइब कर फेनोमेना एंड फिर सवाल करें। मुझे जरा अपनी मेरे अपना लेक्चर खत्म कर लेने दें फिर सवाल करें। अब दो पोरफायरियाज रह गए हैं, जो पोरफायरियाज में क्यूटेनियस डिजीज और एक्यूट अटैक दोनों होता है। एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई दफा ना इसका रिटन पेपर में एमसीक्यू भी आता है। ये दो पोरफायरियाज हैं, हेरिडिटरी कॉर्पोपोरफायरिया और वेरिगेट पोरफायरिया। इन दोनों में एक्यूट अटैक भी हो सकता है और क्यूटेनियस फाइंडिंग भी हो सकती है। फर्क यह है कि हेरिडिटरी कॉर्पोपोरफायरिया में एक्यूट अटैक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कंपेयर टू क्यूटेनियस
manifestations. जबकि वेरीगेट पोरफायरिया में क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कंपेयर टू एक्यूट अटैक. ये दोनों चीजों का ध्यान में रखें कि हेरेडिटरी कॉपो पोरफायरिया में मेनली एक्यूट अटैक होगा और कुछ लोगों में क्यूटेनियस फाइंडिंग्स होगी, जबकि वेरीगेट पोरफायरिया में मेनली क्यूटेनियस फाइंडिंग होगी और कुछ में एक्यूट अटैक होगा. दोनों पोरफायरिया में जो क्यूटेनियस फाइंडिंग होगी वो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा से मिलती जुलती होगी. हेरेडिटरी कॉर्पो पोरफायरिया कैरेक्टराइज बाय एक्यूट अटैक इन 10-20%, वही जो पीसीटी के फाइंडिंग्स हैं, एंड 80% केसेस में एक्यूट कैरेक्टराइज बाय एक्यूट अटैक एंड एक्यूट अटैक इन 10-20% विद स्किन फ्रेजिलिटी एंड लाइक पीसीटी. और वेरीगेट पोरफायरिया में कैरेक्टराइज बाय फोटो इंड्यूस्ड स्किन fragility and blisters and may cause acute attack. Plasma और मतलब urine में आमतौर पर दोनों में आपको porphyrin studies positive आ जाएंगी. Successful management is sun protection, beta carotene aim to provide limited protection और acute attack का जो protocol था वो मैंने आपको पहले बताया. Patient should be advised low calorie diet and alcohol. Liver transplant is used to cure variegate porphyria and acute intermittent porphyrias when acute attacks are uncontrollable by medical means. ठीक है, hereditary corpo porphyria में mainly acute attack हो रहा है और 20% में skin finding हो रही है. Variegate porphyria में mainly cutaneous finding हो रही है और कुछ केस में acute attack हो रहा है. और जो cutaneous finding दोनों केस में है वो PCT से मिलती है. अब आखिरी टॉपिक है सूडो पोरफायरिया. सूडो पोरफायरिया इज अ नॉन पोरफायरिक डर्मेटोसिस, क्लिनिकली एंड हिस्टोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम पीसीटी. पोरफायरिन कंसंट्रेशन की डिफेक्ट नहीं, हीम सिंथेसिस का डिफेक्ट नहीं, इसलिए पोरफायरिन ना एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना सिंथेसिस डिस्टर्ब. और सूडो पोरफायरिया इज वन ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रग इंड्यूस फोटो सेंसिटिविटी. तो आप इसको ड्रग इंड्यूस फोटो सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं. कॉजेस आमतौर पे बहुत सारी एनएसएड्स लाइक नेप्रोक्सिन, नेब्यूमेटोन, ऑक्साप्रोसिन, कीटोप्रोफिन, मेफेनेमिक एसिड, डायफ्लुनिसाइल, एंटीबायोटिक्स लाइक निलडिक्सिक एसिड, टेट्रासाइक्लीन, ब्यूमेटानाइड, फ्लोसामाइड, आइसोट्रेटिनोइन, डेप्सोन, तो ड्रग्स तो हैं काफ़ी सारी. और स्किन की भी वो ड्रग्स हैं कि जो हम आइसोट्रेटिनोइन और डेप्सोन जो हम फ्रीक्वेंटली टेट्रासाइक्लीन जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं विच कैन इंड्यूस सूडो पोरफायरिया. सूडो पोरफायरिया को आप ड्रग इंड्यूस फोटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कह सकते हैं. इट इज कॉमन इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक रीनल फेलियर अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस. और थर्ड ग्रुप ये दूसरा ग्रुप है जो हीमोडायलिसिस वाले मरीजों में सूडो पोरफायरिया होता है. और तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो आर्टिफिशियल टैनिंग बेड्स इस्तेमाल करते हैं, यूवीए टैनिंग बेड्स, प्रीडोमिनेंटली इन फीमेल. सूडो पोरफायरिया का पीसीटी से क्या फर्क है? कुछ क्लिनिकल फीचर्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम पीसीटी लाइक वेसिकल्स, बुली, fragility, myelia, scarring, particularly on dorsa of hands, but also on the face and chest, hypertrichosis, hyperpigmentation, and sclerodermoid changes are less commonly seen in pseudoporphyria than in PCT. मतलब hypertrichosis, hyperpigmentation और sclerodermoid, ये दो तीन चीजें जो finding नहीं होगी. और सूडोपोरफायरिया में क्यूटेनियस स्किन के अलावा और कहीं पे कोई और मैनिफेस्टेशन नहीं हो. डायग्नोसिस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पीसीटी विद नॉर्मल यूरिन, फीकल एंड प्लाज्मा पोरफायरिन कंसंट्रेशन. अदर रिलेटिव डिजीजेस को एक्सक्लूड करें जैसे कि ईबीए या बुलस पेम्फिगॉइड जिसमें ब्लिस्टिंग हो सकती है. की मैनेजमेंट इज टू रिमूव द प्रोवोकिंग फैक्टर एंड ड्रग्स. अगर डायलिसिस रिलेटेड सूडो पोरफायरिया है
तो जब तक रीनल ट्रांसप्लांट नहीं होगा पेशेंट को सिम्टम्स आते रहेंगे. ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी प्रोटेक्शन इज एसेंशियल और पीसीटी वाले ट्रीटमेंट जो है ना, जिस जो एंटी मलेरियल्स और विनिसेक्शन है, उसका कोई रोल नहीं है इन सूडो पोर्फाइरिन. थैंक यू. एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, जो प्राइमिंग फिनोमेना ईपीपी से रिलेटेड है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जो कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर है स्किन का. सर वाइवा में क्वेश्चन पूछे तो उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ईपीपी में, मतलब ईपीपी में जो प्राइमिंग फिनोमेना उन्होंने बताया हुआ है ना, वो एक दफा वाइवा में मुझे बताएं. मुझे नहीं मालूम, मुझे जरा बताएं किस प्राइमिंग फिनोमेना की बात हो रही है. सर एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया में ना उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें प्राइमिंग फिनोमेना होता है, जिसमें ये होता है कि सन एक्सपोजर की टॉलरेंस रिड्यूस हो जाती है पेशेंट में. अच्छा, वो तो मैंने आपको बताया काफी डिटेल में, वो तो हमने डिस्कस भी किया. हमने डिस्कस नहीं किया वो अभी के क्यों कम हो जाती है, क्या वजह है उसकी? नहीं सर, वो कि प्राइमिंग फिनोमेना में ये होता है कि टॉलरेंस इन विच सनलाइट टॉलरेंस इज रिड्यूस्ड ऑन द डे आफ्टर सिग्निफिकेंट सन एक्सपोजर. जी, तो ये थोड़ी सी एक डिफरेंट सी बात है जिसका जिसकी हमें वो नहीं समझ आ रही थी कि बेसिस क्या है. जिस तरह अगर पहले अगर मैंने इस पे गौर नहीं किया, इस टॉपिक पे ना मैंने गौर किया और ना ही मैंने इसके ऊपर. आप कर लें इसके ऊपर, अगर कहीं आपको क्लू मिले तो आप मुझसे भी शेयर करें ये प्राइमिंग फिनोमेना कहाँ पे लिखा है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और इतनी सिग्निफिकेंस है कि उसको वाइवा में इस तरह से पूछा जाए प्राइमिंग फिनोमेना क्या होता है. ऑब्वियस बात है कि ईपीपी के अंदर सन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, कॉज भी मालूम है कि वो पोरफायरिन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कि जो लिपोफिलिक हैं, जो आरबीसीज के अंदर हैं, एंडोथेलियल डैमेज हो रही है. अब जाहिर है उस बर्निंग पेन के बाद अगले दिन बर्निंग हो रही है, वो साइकोलॉजिकल हो रही है, कोई और केमिकल की वजह से हो रही है, इसको मुझे इसके बारे में नहीं और इसका फिनोमेना मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कोई खास नहीं एडवाइस कर सकता. अच्छा सर, इसमें पोरफायरिया में जो हाइपरट्रोफोसिस होता है तो सर उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? सर ये वाइवा में कुछ सुनाया हुआ है, देखो हाइपरट्रोफोसिस का ट्रीटमेंट आपको मालूम ही है कि हेयर फॉलिकल जब हेयर ज्यादा होंगे तो उसका ट्रीटमेंट तो फिजिकल मोडेलिटी से ही हो सकता है, लेस लेजर. अब आप लेजर इसलिए नहीं करेंगे कि लेजर के अंदर अगर तो सिलेक्टेड वेवलेंथ है लेजर की जो 408 से ज्यादा है तो वो शायद डैमेजिंग ना हो, लेकिन अगर तो आप आईपीएल यूज कर रहे हैं तो वो डैमेजिंग हो सकती है इसके रिमूवल में. और अगर आप उसको रिमूव करने के लिए फिजिकल मोडेलिटीज लाइक वैक्सिंग और थ्रेडिंग करते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो प्रेफरेबल है, उससे डैमेज होने का चांस भी कोई कम है अगर हम निकाल ही रहे. लेजर्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग वेवलेंथ लेजर्स हम यूज करें हाइपरट्रोफोसिस में तो वो इतनी डैमेजिंग नहीं है. वैक्सिंग वगैरह से इफेक्ट डैमेज होता है क्योंकि स्किन फ्रेजिलिटी तो है. देखो अगर इतनी स्किन फ्रेजिलिटी है तो किसने कहा है कि बालों को निकालने की जरूरत है? मतलब जरूरी है कि आप इतने डैमेज स्किन पे बाल भी निकाल लें जब स्किन की फ्रेजिलिटी इतनी है? अब मतलब इस क्वेश्चन को जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है? मतलब स्किन में फ्रेजिलिटी है, पेशेंट को ब्लिस्टर बन रहे हैं और वो पेशेंट इज वरीड है कि मेरे चेहरे पे बाल क्यों आ रहे हैं, वो तो मतलब ऑलरेडी इतना ये वाइवा में किया हुआ है ना. अब मैं इस वाइवे के सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये सवाल नहीं किया. जनरली लॉजिक ये है कि आपने लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट अवॉइड करने हैं, और लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट जो लॉजिक है जो मुझे समझ आ रही है सवाल में, जो आपसे एग्जामिनर ने पूछना था वो ये पूछना था कि आपने लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट अवॉइड करने है कि जिससे पोरफायरिया इंड्यूस हो सकता है. आपने नॉन लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है और इलेक्ट्रोलिसिस है या ब्लीचिंग है. अब अगला सवाल आप मजीद उसमें डालें कि स्किन फ्रेजिलिटी है ना करें तो फिर करने की क्या जरूरत है? फ्रेजिलिटी तो
सर जो स्किन फ्रेजिलिटी है वो तो फोटोसेंसिटिविटी से रिलेटेड है ना, लाइक वैक्सिंग से तो उसको कुछ नहीं होगा। जनाब स्किन फ्रेजिलिटी तो होती ही होती है ना, देखो फोटोसेंसिटिविटी तो मरीज गुजर ही रही है ना, स्किन फ्रेजिलिटी तो पोर्फायरिया के मरीजों में होती ही होती है, जिसकी वजह से ब्लिस्टर्स। और ये नहीं होता कि धूप पड़ेगी तो स्किन फ्रेजिलिटी होगी, धूप आपको सुबह पड़ी है ब्लिस्टर आपको शाम को बन जाता है, तो वो तो ये डैमेज एक्युमुलेटिव डैमेज होती है ना स्किन, तो डैमेज या फ्रेजाइल स्किन होती ही है पोर्फायरिया कुटेनिया टाटा के, तो एहतियात से जो काम करना है वो कर ले। तो यही है ना कि पहले पेशेंट ट्रीटमेंट दे दें, उसके बाद जब उसको जो है फ्रेजिलिटी खत्म हो जाए तब हम हाइपरट्रोफी की ट्रीटमेंट कर लें। ये बात आपने कहीं पढ़ी है, कहीं पढ़ी है ये बात कि हाइपरट्रोफी का ट्रीटमेंट क्या है पीसीटी का, कहीं पढ़ा है आपने किसी नहीं सर आर्टिकल में किसी जर्नल में किसी इंटरनेट पे? नहीं सर। मतलब एक मफरूजे के बेसिस पे एक सवाल क्रिएट किया गया और उस मफरूजे के अंदर हम गैर जरूरी मजीद घुसते चले जा रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये समझाए कोई कि पीसीटी का मरीज अपने बालों का ट्रीटमेंट के लिए क्यों आएगा, वो पहले अपनी स्किन को नहीं ठीक करे कि उसके बाल जो चेहरे पे आ रहे हैं उसका इलाज करने के लिए निकल खड़ा हो? दिस इज ऑल किसी एक या दो एग्जामिनर की, लेकिन इसका अगर कोई लॉजिकल इसका कोई आंसर है या कोई चीज ऐसी है कि जिसके लिए जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा वो सिर्फ ये है कि लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डन इन ट्रीटमेंट ऑफ एनी कॉस्मेटिक कंसर्न, बस इसके अलावा और कोई बात। फिर आगे फ्रेजिलिटी ठीक हो जाए तो आप ये करें वो करें, मर्जी जो मर्जी करें आप उसका, आप जो मर्जी सवाल बनाएं जो मर्जी उसका जवाब बनाएं, वो फिर आप पे और एग्जामिनर पे है कि वो कितना आपके साथ शुगल मेला करने वाला है। लेकिन जो मेन बात है अगर लॉजिकल है तो वो यही है कि आपने लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट्स जनरली अवॉइड कर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो क्या कहना। थैंक यू सर। सनलाइट भी यूज कर सकते हैं ना, तो ईपी भी है तो फिर वो मतलब थोड़ी देर भी कर सकते हैं कि नहीं? थोड़ी देर को ये एक जो यूवीबी का या पुआ का जो ट्रीटमेंट ईपीपी के अंदर लिखा है ये एक वो ट्रीटमेंट है कि जो उस सूरत में आपने देना है कि जब और चीजें काम ना करें। इट वुड नॉट बी इन एनी केस द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ईपीपी का वुड ऑलवेज बी सन प्रोटेक्शन। वो लोग कि जो सन प्रोटेक्शन के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे, वी कैन अटेम्प्ट बीटा कैरोटीन एंड स्टिल आपको फिर भी नहीं ठीक हो रहा, देन हमने फिर और से और के आगे में जाने तलाश में हम ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जिसमें आपने लो डोज पुआ के साथ स्किन थिकनिंग इंड्यूस करके थियोरेटिकली हम फोटो सेंसिटिविटी कम कर रहे हैं, थियोरेटिकली। जरूरी नहीं है कि स्किन थिकनिंग से कम हो जाए, तो ये सारे के सारे थियोरेटिकल ट्रीटमेंट है जी, मतलब ये नहीं है कि कोई एसेंशियल या कोई सर हमारी बुक के हिसाब से ना नैरो बैंड जो है सर, एक्सक्यूज मी सर, सर मैं ये कह रही थी कि बुक के हिसाब से जो नैरो बैंड का एक्सटेंशन स्पेक्ट्रम इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईपीपी एक्सटेंशन स्पेक्ट्रम, इस पर इट इज रिलेटिवली इन पेशेंट द एरियाज तो हम दे सकते हैं लेकिन पुआ नहीं। आपने जो कहा मुझे इतना समझ नहीं आया, आपने क्या कहा, आवाज कटी दो तीन दफा। सर मैंने ये कहा हमारी बुक के हिसाब से रुक के हिसाब से जो नैरो बैंड ईपीपी का एक्शन दैट ऑफ ईपीपी एक्शन सेफ टू गिव नैरो बैंड पीपल सॉइस फॉर जनरली जो ये नैरो बैंड यूवीबी है वो अब तकरीबन तमाम इंडिकेशंस में पुआ को रिप्लेस कर रहा है क्योंकि इसकी सेफ्टी और इसकी इफेक्टिवनेस पुआ से काफी ज्यादा है, मासिवाय चंद कंडीशन। चलें जी, जो आप लोगों को दिल कोई डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करें और मुझसे भी शेयर करें। सर एक्चुअली ये जो ईपीपी के बोले बोले
सर ये जो ईपीवी के बच्चे के लिए बताया गया कि रात में यूजुअली समर नाइट्स में एक, मतलब प्रैप में एक ट्राई करता है जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ईपीवी, तो इसका क्या रीजन क्या है? रात को क्राय करता है, कहाँ लिखा है? यस सर, ये रुक में लिखा है। क्या लिखा है? वो इसलिए क्राय करता है कि उसकी ब्लड वेसल्स मतलब यूजुअली रप्चर होती है, वो इतना पेन में होता है बच्चा कि मदर पेरेंट्स जो है वो रिलेट नहीं कर पाते कि इट वाज ड्यू टू सन एक्सपोजर एंड ड्यू टू एडिमा एंड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, वो फिर जो अक्यूट प्रोसेस होता है उसकी वजह से वो जो नाइट टाइम उसकी क्राइंग होती है, वरना उसका नाइट टाइम क्राइंग का एज सच कोई डिजीज पैथोजेनेसिस से ताल्लुक एज सच नहीं है। एक्चुअली ईपी पे तो हम लोग ये कहते हैं ना कि आफ्टर सन एक्सपोजर जो है पेशेंट को बर्निंग और मतलब ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, जो आरबीसीज ब्लड में जो फ्लो कर रहे हैं उसमें पोरफायरिन एक्यूमुलेट हुआ हुआ है और फोटोटॉक्सिक रिएक्शन कर रहा है। फिर कुछ इफेक्ट ऐसे भी तो है ना जो लेट इफेक्ट्स हैं। अब ये जैसे ही सन एक्सपोजर होता है फॉरन ब्लिस्टर तो नहीं बन जाता, फॉरन वेजिकल तो नहीं बन जाता, तो वो जो एक डैमेजिंग इफेक्ट शुरू हुआ हुआ है वो डैमेजिंग इफेक्ट अगले मिनट के बाद जैसी धूप का एक्सपोजर खत्म होता है तो वो डैमेजिंग इफेक्ट खत्म तो नहीं होगा ना, तो वो डैमेजिंग इफेक्ट तो कंटिन्यू चलता चला जाएगा ना। तो कुछ लोगों को कुछ बच्चों को ज्यादा लेट भी हो सकती है ये सिम्टम्स, ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसी धूप खत्म होगी तो डैमेजिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा फौरन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।